महाराष्ट्र की सियासी प्रयोगशाला से नया फॉर्मूला निकला है। इल्जाम था कि मुसलमानों के एक गुट ने चादर लेकर जबरन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश की। सरकार ने मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया, मगर विरोधियों ने उल्टा सरकार पर ही सांप्रदायिक आरोपों की चादर चढ़ा दी। एनसीपी ने कहा कि सरकार दंगे कराना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की खैरख्वाही में पूछा, मस्जिदों में घुसकर बवाल करने वालों की जांच कब होगी। हालांकि इस विवाद से अचानक त्र्यंबकेश्वर में पारा चढ़ गया है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में शुद्धिकरण अनुष्ठान। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर गोदावरी जल का छिड़काव। पवित्र मंदिर के बाहर हिंदू संगठनों के लग रहे नारों का शोर। भगवान शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हंगामा खड़ा है। हंगामा इस बात पर कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शनिवार को जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मंदिर के भीतर चादर चढ़ाने की भी कोशिश की। ये विवाद शायद इतना नहीं बढ़ता अगर ये वीडियो वायरल न होता। वीडियो में सर पर टोकरी में चादर रखे कुछ लोग मंदिर के गेट तक पहुंचते हैं। वीडियो में दिख रहा है इन लोगों की वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से कुछ बात हो रही है। हालांकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। इस बाबत बाकायदा एक बोर्ड पुराने समय से ही लगा है, मगर इल्जाम है कि तालुके के ही मुस्लिम समुदाय के लोग जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों का मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन मंदिर के पुरोहित इस पर ऐतराज जता रहे हैं। नॉन हिंदुओं को जाना वर्जित है, ये तो लिखा हुआ है और ये आज का नहीं है, ये ब्रिटिश समय से, मराठा समय से लिखा हुआ है। जिन्होंने ये मंदिर बनाया उनके द्वारा, उनके आदेश से ये बनाया गया है। अभी नया ट्रस्ट है, लेकिन ये पहला का जो सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था है वो वैसे की वैसी चली है ये स्वतंत्रता के बाद, तो इसलिए ये हटाया नहीं गया। और यहाँ अंदर अन्य धर्मियों का जाना बैन है, फिर भी किसी के हमारे या हमारे तहसील के किसी लोगों ने जाने का प्रयास किया था संदल के निमित्त में, और सुरक्षा रक्षकों ने उनको रोका है। अभी उनका मोटिव क्या था वो तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। ये बार बार ऐसा हो रहा है, पहले भी पार्वती खान करके गायिका गई थी, जाने के बाद उन्होंने बाहर आके ये किया कि मैं अंदर जाके आई। तो ऐसा हिंदुओं की श्रद्धा स्थानों में जो नियम है, धर्म के नियम, मर्यादा होती है, वो मर्यादा दोनों तरफ से पालन होना चाहिए। वीडियो के वायरल होने और हंगामा खड़ा होने के बाद अब इस सारे विवाद की रियल क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है हजरत गुलाब वली शाह की मजार। त्र्यंबकेश्वर में गुलाब वली शाह का सालाना उर्स होता है। उर्स में मजार की चादर पूरे इलाके में घुमाई जाती है। इस दौरान जायरीन मंदिर के दरवाजे तक भी जाते हैं। परंपरा है कि मंदिर के दरवाजे पर धूनी दिखाई जाती है। जायरीन का कहना है कि हम आस्था के चलते जमाने से ये करते आ रहे हैं। मंदिर के भीतर कोई मुस्लिम एंट्री नहीं लेता। ये विवाद पहली बार खड़ा हुआ है। अगर गांव वाले नहीं चाहते तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे।
लोबान दिखा देते और आगे निकल जाते। बस वही फॉलो कर रहे हम, बाकी इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का भी नहीं ना कुछ। और हमारे जाए तक तो समझ लो कि वो मंदिर का गेट भी बंद हो जाता है जैसा लोबान होता है, तो बस बाकी कुछ भी नहीं हमारा उद्देश्य था उसमें। ये तो अभी हमारे पूर्वज अभी जब से है तब से वो चीज है, हाँ जैसा वो भी है, हाँ वो जैसा लोबान जैसा संदल निकलता है तो जो मेन गेट है मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में जाते नहीं है, खाली जो मंदिर का मेन इंट्रेस है वहाँ पे खड़े रह के पायरे के ऊपर लोबान दिखा देते हैं और आगे चलते। तो नहीं, अगर नहीं पसंद है ये चीजें गांव वालों को तो हम ये चीज आगे से नहीं करेंगे। मगर विवाद बढ़ता देख सरकार को मामला अपने हाथ में लेना पड़ा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे केस की जांच एसआईटी को सौंप दी है। स्थानीय पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। वीडियो में दिख रहे लोगों को बुलाकर पूछताछ भी की गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में फिलहाल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता। शिंदे ने जनता से तो शांति की अपील कर दी, मगर सियासी गलियारे में शांति कैसे हो जहां असली घमासान छड़ा है। नीतीश राणे जैसे फायर ब्रांड बीजेपी नेता तो मुसलमानों के मंदिर प्रवेश की कथित कोशिश को सीधे जिहादी मानसिकता करार दे रहे हैं। वी डोंट स्टॉप द जिहादी माइंडसेट, इफ यू डोंट फाइट देम यूनाइटेडली देन द एंटायर हिंदू कम्युनिटी इज एट थ्रेट। I also thank the Maharashtra Deputy Chief Minister Mr. Devendra Fadnavis ji for ordering a SIT probe in the Trimbakeshwar issue. जब सरकार ने SIT गठन का आदेश दे दिया और बीजेपी के नेता इस घटना पर इतने आक्रामक हैं, तो NCP के जीतेंद्र अहवार जैसे नेता इसे उल्टे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि कर्नाटक के बाद चुनाव जीतने की गुंजाइश नहीं बची तो पार्टी के पास ऐसी ही घटनाओं का सहारा है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का इल्जाम है कि अहवार जैसे नेताओं के बयानों से ही दंगे होते हैं। ये तो देश दो जिलों में हुआ है, अब देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जीतने की गुंजाइश ही नहीं है, एक ही रास्ता है जीतने के लिए, वो है दंगे। अभी त्रंबकेश्वर नहीं, अभी तो भीमाशंकर के चोटी के पर भी चढ़ाया जाएगा किसी को तो नहीं। जितेंद्र आवाड जी जिस प्रकार से त्रंबकेश्वर मंदिर के बारे में कह रहे हैं ना, वो एक प्रकार का मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से बातें करके यही जो अकोला में हो रहा है ना, ऐसे ही इन स्टेटमेंट से ऐसे ही स्टेटमेंट खड़े करके महाराष्ट्र को अशांत करने का काम जितेंद्र आवाड जी ने फिर दोबारा किया है और इसका परिणाम जो होता है ये ऐसे अकोला की घटना में होता है। तो ये महाविकास आघाड़ी के नेता जानबूझकर ऐसे ही त्रंबकेश्वर को लेकर भीमाशंकर जी को लेकर ये जो बातें करते हैं और इस वजह से एक समाज को एक समुदाय को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है उस वजह से ही यहाँ महाराष्ट्र में अशांत वातावरण हो रहा है, इसके लिए वही जवाबदार रहेंगे। जब विवाद खड़ा हुआ तो इल्जाम लगा कि ऐसी ही घटना पिछले साल भी हुई थी, इसलिए SIT जांच का आदेश देते हुए डिप्टी सीएम के दफ्तर से कहा गया कि SIT न केवल इस घटना की जांच करेगी बल्कि पिछले साल की घटना की भी जांच करेगी, जब एक खास भीड़ मुख्य प्रवेश द्वार के जरिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।